हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए अशोक लेलैंड की टॉप मॉडल 5525 यू ट्रक लाया हूँ। ठीक है, 5525 टॉप मॉडल अशोक लेलैंड की लेके आया हूँ। इस गाड़ी में मैं आपको बताऊंगा, इस गाड़ी में साइलेंसर में ऑयल आ गया था। ठीक है, 152,108 किलोमीटर गाड़ी चली है। देख लो, अभी टॉप मॉडल है, नई गाड़ी है, BS6 गाड़ी है। 152,000 किलोमीटर चली है और एक साल पुरानी। लगभग इसकी रेट 41 लाख, ठीक है, 41 लाख से ऊपर। अशोक लेलैंड टॉप मॉडल गाड़ी। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसके साइलेंसर में इसका ऑयल आ गया था। ठीक है, ये 5525 है, टॉप मॉडल है, साइलेंसर में ऑयल आ गया था। ऑयल कहाँ पे आया था मैं आपको बताऊंगा। एयर फिल्टर में भी ऑयल आ गया था। ठीक है, ये मैं आपको इसका सबसे पहले हमने इसका गेज चेक किया तो गेज में ऑयल बहुत कम था, कम से कम 4-5 लीटर ऑयल कम था। फिर इसका कूलेंट चेक किया, पानी चेक किया, तो पानी बराबर था इसका, कूलेंट बराबर था, नहीं कूलेंट इसका बराबर था। फिर हमने इसको चेक किया, ये ऑयल लीकेज था। ठीक है, ये देख लो, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, गियर का जो हाउसिंग था उसके ऊपर जो फ्लाईव्हील सेंसर लगता है, वहाँ पर ऑयल आ गया था, वहाँ पर भी ऑयल आया था। और एग्जास्ट की जो पाइप है इसके में ऑयल आया, तो टर्बो से ऑयल लीकेज हो रहा था। देख लो, ऑयल है ये पूरा, आपको सब तरह से बताऊंगा मैं, ऑयल कहाँ से आया था, किस जगह से आया था, किस कारण से आया था, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज़ मिस्टेक हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से ये ऑयल आया था। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, वीडियो आधा मत देखना, आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं सबसे पहले मैं आपको ऑयल कहाँ कहाँ पर आया मैं आपको बता रहा हूँ। एक टर्बो के अंदर से ऑयल आया, ठीक है, टर्बो के जो मेन क्लिप होती है वहाँ से एग्जास्ट की, एक वहाँ से पाई ऑयल निकल लीकेज हो रहा था, ऑयल निकल रहा था, एक एयर फिल्टर के वहाँ ऑयल आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। ठीक, ये एग्जास्ट की पाइप है, एग्जास्ट की पाइप है जो एड ब्लू के साइलेंसर में जा रही है। ठीक है, इसमें भी ऑयल आ रहा है और कहीं को नहीं हुआ लीकेज। मैं ये ऊपर से चलते हमने इसको चेक किया, इसको चेक किया, ऑयल क्यों आया, किस तरह से आया, क्या मिस्टेक हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। तो हमने पहले सबसे पहले इसका जो गाड़ी का टर्बो था वो चेक किया, टर्बो को चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी एग्जास्ट की जो पाइप होती है वो खोलनी, एक एयर फिल्टर की जो पाइप होती है वो खोली। ठीक है, वो देख लो आपके सामने, पाइप खोली, पाइप की जो क्लिप होती है वो खोली। ठीक है, पाइपों की क्लिप खोली है हमने, आपके सामने पाइपों की क्लिप खोल रहा है। पाइपों की क्लिप खोलने के बाद इसकी जो अपन ऊपर से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं अगर उसमें टर्बो में कोई दिक्कत है, इशू है कि नहीं है, वो अपन ऊपर से पाइप खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, मैकेनिक ने पूरे पाइप खोल के इसको टर्बो को चेक किया। ठीक है, टर्बो को चेक किया तो टर्बो में जो अंदर ड्रिल होता है उसमें चाल थी। देख लो, अंगुली से बताऊंगा मैं इसको आपको, इसमें ऑयल आ गया था पूरा, ऊपर से भी ऑयल आ गया था, एयर फिल्टर की साइड भी ऑयल था और एग्जास्ट मैनिफोल्ड के साइड भी ऑयल था। तो भी इसको मेन प्रॉब्लम इसकी थी, मेन टर्बो फेल था। ठीक है, टर्बो फेल था, देख लो आपके सामने चेक कर रहे हैं, ये जो गिरारी है ये डैमेज थी, मतलब टर्बो में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए ये ऑयल साइलेंसर में आ गया था। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, टर्बो को क्या दिक्कत थी, टर्बो को अपन हो सकता है तो चेंज भी करें, या फिर हो सकता है तो इसको, इस टर्बो को रिपेयर होगा तो रिपेयर करेंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि क्या मिस्टेक थी, क्या था। ठीक है, देखना, ये टर्बो टेल कंपनी का है। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उससे मैं आगे वाले वीडियो में डालूंगा, उससे आप देख लें। ठीक है, इसमें मेन प्रॉब्लम टर्बो की थी, टर्बो फेल था।